हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ टेक एंड ट्रैवल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि इस बाइक के एक एक फीचर के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, आज यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आज आपको इस बाइक के एक एक फीचर के बारे में बताऊँगा और साथ में लास्ट में इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें रेड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो नॉर्मल वाली अपाची आई है उसमें ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इसमें ऊपर मैट फिनिशिंग के यह मडगार्ड दिए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और यह है फ्रेंड्स इसका इंजन गार्ड जो काफ़ी इफेक्टिव है इंजन को बचाने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें गियर एक डाउन है और बाकी के चारों गियर्स ऊपर की तरफ लगते हैं। वन डाउन एंड फोर अप गियर का इसमें सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स यह ओपन चेन सिस्टम है कि मतलब आपको 400 किलोमीटर पर इस चेन को क्लीन करते रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर यह ओपन चेन सिस्टम दिया गया है। चेन काफ़ी मोटी है 160 की बाइक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर फ्रेंड्स टायर प्रेशर लिखा हुआ है कि आपको कितने कितने प्रेशर यहाँ पर आपको रखना है फ्रंट टायर में और रियर टायर में, आपको कितना प्रेशर रखना है विद प्लेन और विदाउट प्लेन के साथ आप यहां पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि अच्छे माइलेज के लिए टायर का प्रॉपर प्रेशर होना बहुत ही जरूरी है। और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स यहां पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि है मोनो शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ पर फ्रेंड्स टीवीएस ने सोआ के सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि थोड़ा सा स्टिफ है, क्योंकि स्टिफ नहीं होंगे तो आपको अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी कॉर्निंग के टाइम पे, तो इसलिए सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है बट काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं बम्प गड्ढों में। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये टायर अगर दिया गया है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने काफ़ी इससे भी ऑफ रोडिंग की है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो यहाँ पर इंडिकेटर दिए गए हैं वो सारे के सारे बल्ब में, और यह फ्रेंड्स रिफ्लेक्टर दिए गए हैं लेफ्ट राइट में, और यहाँ पर यह रिफ्लेक्टर पीछे भी दिया गया है जो कि अच्छे से वर्क करता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें 200 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है जो कि एक प्लास्टिक से कवर्ड होती है, तो यह धूल मिट्टी से बचाने के लिए। और डुअर बैरल एग्जॉस्ट है और प्लेन का फुट रेस्ट काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का बना हुआ है। और यहाँ पर फ्रेंड्स यह ब्रेकिंग सिस्टम है और राइडर के पैर को रखने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा फुट रेस्ट दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें आपको 160 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, इसकी पावर भी अभी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और यहाँ पर टीवीएस की बैजिंग है हॉर्स, और यहाँ पर यह 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 160 की बैजिंग मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इसका माइलेज भी अच्छा खासा, मैंने इसका माइलेज टेस्ट पर भी वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप जरूर देखिए। और यह भी इंजन कोइल स्विच यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी इफेक्टिव है, इसको मैंने काफ़ी राइड किया है तो काफ़ी इफेक्टिव है। इसका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी, टायर स्किड नहीं होता है, और यह फ्रंट का मैट कलर का मडगार्ड। और यहाँ पर बल्ब में आपको सारे के सारे इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हेडलाइट कम्प्लीटली एलईडी सेटअप आपको देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स नाइट राइडिंग पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। और यह फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा फीचर्स है, आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग इसमें ब्रेक और क्लच को एडजस्ट भी कर सकते हैं 1 2 3 तक, इसमें 1 2 3 नंबर्स दिए गए हैं। यदि आपका हाथ छोटा है तो उसको 1 पर सेलेक्ट कीजिए और बड़ा है तो 3 पर सेलेक्ट कीजिए। और फ्रेंड्स चलिए अब हम और इसके फीचर्स देखते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हॉर्न का स्विच मिलता है और यहाँ पर लेफ्ट राइट हॉर्न का स्विच मिलता है, और यदि कोई भी कॉल आ रही होगी तो आप इससे कट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लूटूथ फीचर भी मिलता है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और यहाँ पर इस बटन से आप कॉल को कट कर सकते हैं, लो बिन हाई बिन आगे दिया गया है, ये येलो कलर का जो बटन है लो बिन हाई बिम का है, और ब्लैक कलर का बटन है उससे आप लो बिन और हाई बिम पर बाइक को राइड कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको
हेडलाइट का जो हेडलाइट को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। इससे आपकी बैटरी काफ़ी सेफ होती है। और यहाँ पर इंजन कोइल स्विच दिया गया है और राइडिंग मोड भी दिया गया है, और यहाँ से बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये बाइक का स्टार्टिंग स्विच है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यह इंजन कोइल स्विच है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं तो सामने गियर अप कुछ इस तरह का मीटर है, और यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर है और टाइमिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ओडोमीटर है, ओडोमीटर रीडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है न्यू और ओल्ड राइडर के लिए। और यहाँ पर आरपीएम की लाइट आपको देखने को मिल जाती है। आरपीएम की लाइट इंडिकेट करती है कि आपको गियर अप और डाउन करना है। और यहाँ पर यह आरपीएम मीटर है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। अभी बाइक राइडिंग रेन मोड पे है, और इसको मैं प्रेस करूंगा तो यह वाइट अर्बन मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अभी रेन मोड पे है, तो उसको मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो यह जो बाइक है अर्बन मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब शहर में चलाने के लिए आप अर्बन मोड रखिए, और हाईवे पर चलाने के लिए आप स्पोर्ट्स मोड रखिए, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिल पाएगी। और इसको आप हैंडल लॉक भी कर सकते हैं, इस तरह से वन टाइम प्रेस करके आप हैंडल लॉक भी कर सकते हैं। इसी में ही फीचर दिया गया है। और फ्रेंड्स पावर इसकी बहुत ही अच्छी खासी है। हाईवे पर आपको पावर की कमी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो टैंक है काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है। मैक्सिमम जो YouTube पर वीडियो मैंने देखे थे उन पर यही सुना था कि टैंक हिल रहा है, बट बिल्कुल टैंक हिलता नहीं है, बिल्कुल अच्छे से फिक्स है। यहाँ पर दो बोल्ट से फिक्स है, और नीचे की तरफ भी यहाँ पर भी दो बोल्ट दिए गए हैं, उससे यह टैंक बिल्कुल फिक्स रहता है, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसमें ब्लूटूथ का फीचर्स, ब्लूटूथ में हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, सर आज आप तो देख बने पा रहे रहिए होंगे वीडियो के कि साथ। आज मैं अपनी TVS बाइक को ब्लूटूथ के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देखूंगा, और इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलने वाले हैं इसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इसमें मैप कैसे सेट करना है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ऑन हो गया। और उसके बाद मोबाइल में हमें TVS कनेक्ट ऐप, इसको हमें ऑन करना है। देखिए यहाँ पर TVS कनेक्ट ऐप, यहाँ पर ये ऑन हो गई, देखिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि यदि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो यह जो एप्लीकेशन है वो मैसेज उस नंबर पे भेज देगी। और यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, एलर्जी कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, और सबमिट करके इसको आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पीछे जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए मुझे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर अभी यह कनेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कनेक्शन दिखा दिया है। 84 डेज हो गए हैं। देखिए यहाँ पर ये मैप पहले से ही सेट किया हुआ है यहाँ पर। तो यदि आपको मैप सेट करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप को हम कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बैक जाना है, और यहाँ पर आप जाएंगे यहाँ नीचे, तो यहाँ पर आपको मैप को सेट करना है। देखिए यहाँ से कनेक्शन के बाद कुछ इस तरह के आपको मीटर दिखने लगेगा, और यदि आप मैप पर सेट करेंगे, यदि आप मैप सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखने लगेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं मैप सेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, यदि हम दिल्ली टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ,
दिल्ली ये आ गया न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा मैप यहाँ से यह शो होने लगा, देखिए स्मार्ट कनेक्ट। और यहाँ पर देखिए इस तरह से यह पूरा मैप यहाँ पर दिखाने लगा, ये दिल्ली का पूरा मैप यहाँ से आ गया और कौन कौन से डायरेक्शन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इसको इन 100 मीटर्स टर्न राइट, तो यहाँ पर इस तरह का आपको यह डायरेक्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप रन करेंगे तो यहाँ पर आपको एरो दिखाने लगेगा कि आपको 15 किलोमीटर आगे से लेफ्ट लेना है या राइट लेना है या स्ट्रेट चलना है, तो यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मीटर में मिल जाएगी। तो यह फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा फीचर्स है TVS की तरफ से और यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल फीचर्स है। और इसका मैप फ्रेंड्स यदि आप TVS का जो ECU से सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट कराते रहेंगे तो वहाँ पर आपको इस फीचर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यह फ्रेंड्स इसका एक फीचर यह रहा। और अब हम देखते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पर साथ मैं आपको कुछ और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसा कि हम मैप में गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में पेट्रोल पंप किधर है, सर्विस सेंटर किधर है और भी यहाँ होटल्स वगैरह हैं। फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगी। मान लीजिए हमें पेट्रोल पंप देखना है तो देखिए यहाँ पर ये सारे पेट्रोल पंप के जो हैं नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से यह काफ़ी अच्छा फीचर्स है यहाँ पर। और यह कुछ फीचर्स हैं मैप से रिलेटेड। और यहाँ पर स्पीड भी यहाँ पर आपको दिखा देगा और डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी है वो भी दिखा देगा। और यहाँ पर यह इसका यहाँ पर देखिए यह फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। जैसे कि आपने नई बाइक परचेस की है तो उसमें आपको 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना है, 750 किलोमीटर तक। तो आपको यहाँ पर आप इसकी जो रेंज है वो आप सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 70 किलोमीटर सेट की है। यदि बाइक 70 किलोमीटर से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर मुझे अलर्ट देखने को मिल जाएगा, हाई स्पीड अलर्ट यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको ओवर स्पीड करने से रोकता है। जितनी आप स्पीड यहाँ पर सेट करेंगे वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यह भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर अपना आप नाम फीड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर बाइक का फीड करके यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। तो हमें बैक जाना है। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर फीचर्स है, काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। और बाइक का जो क्रैश अलर्ट है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है तो वहाँ पर बाइक क्रैश होती है तो वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो यह भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अब हम देखते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। और राइड को यदि आपको स्टॉप करना है तो यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं राइड को। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके मैसेज वगैरह जो भी आएंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कॉल वगैरह आएगी, किसके नाम से कॉल आई है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और यदि मान लीजिए कोई भी कॉल आ रही है अननोन नंबर से या कोई भी कॉल आ रही है जिस नंबर को आप पिकअप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहां से उसको कट भी कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा फीचर है, यहां से आप इसको प्रेस करके उसको कट कर देंगे। तो यह बहुत ही अच्छा फीचर्स है। और कनेक्ट करने के लिए आपको बस कनेक्ट पर क्लिक करना है। एक बार पेयरिंग हो जाने के बाद आपको बार बार कनेक्ट नहीं करना है। एक बार कनेक्शन हो जाने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलेंगे और चाबी को ऑन करेंगे तो यह अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी सेटिंग दी हुई है। चलिए अब हम सेटिंग में चलकर देखते हैं। यह वही सेटिंग आ गई है। और यहाँ पर सर्विस की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, चेसिस नंबर वगैरह, नेक्स्ट सर्विस ड्यू डेट कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। राइडिंग डिटेल्स भी दी हुई हैं यहाँ पर, क्या राइडिंग है, टॉप स्पीड क्या रही और एवरेज स्पीड कितनी रही, ठीक है, और मैक्सिमम आपने लीन कितना किया, तो मैक्सिमम एंगल कितना रहा आपका। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर शो हो जाएंगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं
यदि आप यूज़ करते हो तो ये काफ़ी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लास्ट डाइव इन्फॉर्मेशन ये है भी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी सारी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो माई बाइक आ जाएगी और ये बाइक की इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स डिजिटल डॉक्यूमेंट वगैरह भी रख सकते हैं, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर RC स्टोर करके रखी हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी सारे डॉक्यूमेंट आप फ़ोटो खींच कर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यह भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और अब हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स यह है TVS का एक कनेक्ट फीचर। और फ्रेंड्स यह फीचर्स TVS की बाइक में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि यामाहा R15 में सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कहने वर्क को है, उसमें कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा यामाहा R15 में, जो फीचर्स है बिल्कुल बेकार का है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं यह मोबाइल की। और यहाँ पर यह ब्लूटूथ का सिंबल बना हुआ आ रहा है, यानी कि आपकी बाइक ब्लूटूथ से कनेक्ट है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं बाइक में। बाइक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और इसमें आप ब्लूटूथ से काफ़ी आपको आसानी रहेगी, मतलब आपको कहीं भी यदि जा रहे हैं तो इसका जो मैप है उससे भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि आपको बार बार मोबाइल ओपन कर करके नहीं देखना पड़ेगा और यहाँ से ही आप सारी चीज़ें देख पाएंगे अपने मीटर में। तो फ्रेंड्स TVS के यह फीचर्स के लिए थम्स अप है। और यदि आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं इस बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि यदि आप यह बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं, यदि आपके पास यह बाइक है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो इस बाइक से रिलेटेड मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और इस बाइक पर मैंने फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाए हुए हैं प्रोज और कॉन्स से रिलेटेड, तो आप वह वीडियो देख लीजिए, दिख जाए आपको दिख जाएंगे कुछ वीडियोस यहाँ पर। तो यह वीडियो माइलेज टेस्ट से रिलेटेड है और यह इस बाइक के और यह इस बाइक की फर्स्ट सर्विस से रिलेटेड वीडियो है, और फर्स्ट सर्विस के बाद बाइक कैसी चलती है इसके रिव्यू से रिलेटेड यह वीडियो है, और कितने हाइट तक के राइडर के लिए यह बाइक सुटेबल है, और यहाँ पर माइलेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस बाइक का। तो यह सारे वीडियोस के लिंक आपको फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।